अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो आज हम बनाने जा रहे हैं मछली, तो उसके लिए हमने दो प्याज ले लिए हैं। इसको हम अच्छे से छील लेंगे और फिर उसको कट कर लेंगे। बारीक कट करने के बाद हम उसको ग्राइंड मिक्सर में पीसेंगे। तो मिक्सर में पीसने के बाद हम सिर्फ मिक्सर में प्याज नहीं पीसना है हमको, हमें नहीं है दो टमाटर और 7 से 8 हरी मिर्च भी पीसनी है, क्योंकि आपका आपके ऊपर है। आपको अगर खड़ी हरी मिर्च लेनी है तो आप कर सकते हैं, वरना तो आप पीस सकते हैं। तो मुझे पीस के रखनी थी, इसलिए मैंने ये सबको ग्राइंड कर लिया। अब मैंने मछली 1 किलो तक के लिए, अब इसको हमने साफ से धो लिया है। धोने के बाद अब हम सारे मसाले निकाल लेते हैं। सो ये मैंने सारे अपने मसाले निकाल लिए हैं। अभी इसमें से 2 चीज़ें स्किप करके रखी है। 3 टेबल स्पून धनिया लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून हल्दी लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मिर्च लिया है, और ये थोड़ी सी मेथी लिया है छौंक मारने के लिए। सो आपके ऊपर है, आपको अगर वैसे तो मेथी से ज़्यादा अच्छा लगता है मछली में छौंक मार के, वैसे आपकी मर्ज़ी है। आपको प्याज से मारना है, प्याज से लगा लीजिए तड़का। तो मैं ये मेथी से तड़का लगाऊंगी, सूखी मेथी से। सो ये सब चीज़ मैंने रेडी कर लिया था। आप देखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो जो मैंने दो चीज़ स्किप करी थी, तो वो है दही, 100 ग्राम तक पिसा नारियल लिया है। तो ये मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। अब हम पहले इसमें सारे मसाले जो हमारे हैं वो सब एक साथ ही ले रख लेते हैं, क्योंकि सबको डालना तो एक ही साथ है। सो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ये मैं अपनी मछली को फ्राई कर लेते हैं। तो मछली को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ही हम तड़का मतलब छौंका लगाएंगे। तो सारी मछलियों को हम फ्राई कर लेते हैं। सो आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम एकदम ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो किसको किसको मछली पसंद है? मुझे मछली पहले बिल्कुल नहीं पसंद थी, पर अब मामा बनाती हैं तो कभी कभी अब मैं खाने लगी हूँ एक एक पीस। वैसे तो पहले मुझे ज़रा भी नहीं पसंद थी। वो तो होता है ना, बचपन में कुछ पसंद होता है कुछ नहीं होता है, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ मैं खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने तेल डाल दिया था 1 चम्मच, इसमें और ऐड कर दिया था जिस चीज़ में हमने उसको फ्राई करा था उसी में डाल दिया। मैंने इसमें मेथी डाल दिया है, मेथी को अच्छे से एक बार में गरम तेल रहता है तो मेथी अच्छे से ही लाल हो जाती है, उसमें ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। सो मैंने फ्लेम एकदम स्लो करा हुआ था, इसकी वजह से मैंने कलर लेट करा। सारा मसाला मैं ऐड कर देती हूँ अब इसमें। तो अच्छी तरह से हमें मसाला भूंज लेना है, मसाले को पूरा का पूरा अच्छे से मिक्स, सारा मसाला निकाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। धनिया अभी हमें इसमें दही नहीं डालना है, क्योंकि दही पहले मसाला अच्छे से भून जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही और मैंने गरी का बुरादा जितने भी मसाले थे सारे ऐड कर देने हैं। अब ये हमने हमारा मसाला पड़ गया था, देखिए तेल अलग हो गया था, तो इसमें हमने दही भी ऐड कर दी है। अब दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। बुलबुले आने के बाद अच्छा से हो जाएगा टेस्टर, तो हम उसके बाद ही मछली को ऐड करेंगे। अब हमने अच्छे से हमारा हो चुका है, तो अब इसमें हम अपनी मछली डाल देते हैं। सारी मछली को डालने के बाद हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से सारा का सारा मसाला मछली में लग जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर 2 मिनट तक पका लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक अच्छी तरह से बंद ढक्कन में पका लेंगे। उसके बाद हम धनिया को गार्निश करेंगे। धनिया को हमने ये ले लिया है, धनिया को हम कट कर दिया है। अब हम इसमें ऊपर से हमने बलक आ गई थी, अच्छे से पक गया था, अब इसमें हम धनिया ऐड कर देते हैं। सो देख सकते हैं अच्छी तरह से माशाल्लाह मेरी मछली बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, माशाल्लाह बोल दीजिए। सो ये देखिए आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं दे रही हूँ, मेरी रेसिपी को प्यार तो आपको देना बनता ही है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो बनता है फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट मी माई वेरी वेरी स्वीट माई यूट्यूब फैमिली, आप हैं तो हम हैं बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे 31 के सब्सक्राइबर कर दिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का साथ रहेगा, अल्लाह का साथ तो हमेशा ही है, आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। अल्लाह हाफिज़।